जिसने विषयों पर कविताएं लिखी हैं। इलाहाबाद में रहते हैं, महीने में 28 दिन में कवि सम्मेलन जाते हैं, एक आध दिन खाली रहता है, जिन दिनों खाली रहते हैं तो उधर संगम तट पर निकल जाते हैं और वहां पर चंदन लगा के कमाई शुरू कर देते हैं। अपने साहब गढ़ा बाबा का एक आदमी वहां पहुंच गया, भाई ने वहीं पर गंगा के किनारे बैठ के और अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया, पंडई का काम शुरू किया। तो भाई का काम था कि वो चंदन लगाता था और बछिया मांगता था, जिसके चंदन लगा दिया बोले ये ले चंदन ला बछिया। तो साहब कई लोगों को अगले ने मूड़ दिया, जो भी जाए चंदन लगाए बछिया ले। इतने में चंदन खत्म हो गया, राधेश्याम भारती ने दिमाग लगाया और यहीं का एक आदमी वहां सामने बैठा शुद्ध यादव, भाई ने गंगा में हाथ डाला और पानी लगा के तिलक कर दिया। यादव को बात समझ में नहीं आई, बोले ये क्या है। बोले गंगा जी के नीर को तू चंदन समझ के धर ले। यादव जी को लगा कि उल्लू बना दिया, गंगा जी के नीर को तू चंदन समझ के धर ले। अगले ने दूसरा हाथ डाला यादव ने, तो मेड़ की पकड़ में आ गई। बोले गंगा जी की मेड़ की तू बछिया समझ के धर ले। एक बार जोरदार तालियां राधेश्याम भारती जी के लिए। शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल आप खत्म करें, एक हम करें। अपनी सरकार भी खूब है, ये क्या क्या गुल खिलाती है, ये ठेका देती है, फिर बोतल पर बिच्छू बनाती है। अब तो पीना बना कल्चर बनी है सभ्यता दारू, समारोहों की है रौनक बढ़ाती भव्यता दारू। सुबह और शाम बिन नागा जो दारू पी नहीं सकता, मेरा दावा है सच्ची जिंदगी वो जी नहीं सकता। जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, गारंटी है। बुढ़ाई में उसे कोई आंख भी दिखला नहीं सकता। मिले माया से मुक्ति शक्ति वो बोतल के पानी में, बुढ़ापा आए क्या जब टिकट ही कटता जवानी। अच्छा नहीं, जो जानते वो जान ले दारू की ये थ्योरी, बिला नागा पिए जो उसके घर होती नहीं चोरी। चोर आएगा क्या पाएगा झुमका बिछुआ और बाली, शराबी उल्लू है जो रखे घर में लोटा और थाली। चढ़ी वो प्योर ठर्रा, ठर्रा समझते हैं आप लोग ना, हाँ शुद्ध महुए वाली देसी। चढ़ी हो प्योर ठर्रा और एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर जिस्म के हर अंग में परमानेंट हो जाए तो हो जाए। मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकती, है असली की यही तासीर ऐठन जा नहीं सकती। सड़क पर गिरे हैं, सरफटा है, खून बह रहा है, जाके कहिए कि मनोज जी ज्यादा तो नहीं लगी। कौन है बे, इससे नीचे बात ही नहीं होती साहब। अच्छा कोई पीना है, पी के सो गए तो क्या मजा पाए, मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए। देखा है आप लोगों ने, मिलाए मुझसे पंजा है इलाके में कोई पत्था, मेरा चेला वो ट्रंप है, समझते हो हंसी ठट्ठा। अबे लगती हो जिसकी आए, आए आके मुझसे टकराए, खरीदू पूरा अमरीका जो बेचे दाम बतलाए। नशा पाएगा दारा सिंह जरा सा भी मेरा धक्का, बत्तीसी टाइसन की गिर पड़े जो मार दू मुक्का। मैं पाकिस्तान को पटकूंगा जिस दिन पड़ गया पाला, मुझसे डरता है बचता है इधर आता नहीं सा। अच्छा शराबी सच में उस परमात्मा का रूप होता है, हो मस्ती में तो धरती पर स्वयंभू भूप होता है। इसे लाइसेंस है सीएम को या पीएम को गरिया है, फिकर करता नहीं ब्रह्मा के चाहे बाप आ जाए। अगर हम आप रोकें तो एक साइकिल भी नहीं रुकती, सड़क पर ये अड़े तो ट्रक की भी हिम्मत नहीं पड़। चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है, निकलता ठेके से जिस दम तो बब्बर शेर होता है। बड़ी इज्जत है इसकी, लोग कितना खौफ खाते हैं, अच्छे अच्छे दाएं बाएं से बचकर निकल जाते हैं।
मगर किसी पहचान वाले के गले से जब लटकता है तो वद्धि भर के फिर लेकर ही हटता है। दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना, दावा है मेरा कोई आध्यात्म कोई योग दिल में उतनी विनम्रता नहीं ला सकता जितनी दारू लाती है। है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना, लड़ेगा खंभे से बोलेगा भाई माफ कर देना। अच्छा, धर्म ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है तो शराबी धन्य है दुश्मन को सीने से लगा। बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं ये गीत रट पाता, शराबी एक दो घंटे में तीनों काल पड़ जाता। ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है, साथ करके देखिए, एक पैग अंदर अध्यात्म चालू। ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है, लगे दो तीन तो सीधा वीर गाथा काल आता है। हुआ मदमस्त तो फिर अप्सरा बुढ़िया को समझेगा, तुम्हें इसकी अदा में पूरा रीतिकाल झलकेगा। और किया प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता, लगे शूशू तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता। ऊपर जिह्वा से गंगा ज्ञान की तब बहती रहती है, नीचे की धारा पाजामे को पावन करती रहती है। कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है, बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पे जल चढ़ा। ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, मेडिकल साइंस कहती है, और आध्यात्म कहता है पड़े सौभाग्य से मुंह में तो सीधा मोक्ष मिलता है। और तब मैंने क्यों लिखा, उन पंक्तियों को सुन लीजिएगा कि ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है पीता है। ये मेहनत कश मेरा भाई हाँ गलत करता है पीता है, कुछ इसका खून पीते हैं ये तो दारू ही पीता है। ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है पीता है, कुछ इसका खून पीते हैं ये तो दारू ही पीता है। अभागे रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू, एक तो किस्मत ने मारा है और पीकर मर रहा है तू। कमाई पी के लिख मत अपनी बर्बादी का तू किस्सा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में है हिस्सा। थकन में पी तो थोड़ी पी, अगर पीकर तू जी जाए, मगर ऐसी कभी मत पी कि तुझको खुद ये पी जाए, मगर ऐसी कभी मत पी कि तुझको।